मैंने ये आटा गूंद दिया है, आटा गूंदने लग रही हूँ। तो मेथी के परौंठे तो भाई कल मेथी के परौंठे बनाए थे तो खा कर नहीं आया। 25 जनवरी 2023 वेडनेसडे व्लॉग 166 आ फ्यू मोमेंट लेट। ए रामी ओ जी खड़ी होले खड़ी होले। राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो यार हम सुबह सुबह रजाई में बढ़ रहे हैं। ओए ओए तेरा दूध उम्मीद है ए है ना। उसमें ना तेरी इतनी बढ़िया एक मैडम है, इतनी बढ़िया बढ़िया कमेंट भेजा करे है तेरे लिए, भेजती वो स्पेशल। वो कल वाली कमेंट में पता है क्या लिख रखा था, बेटा गाय का दूध पिया कर, चाय मत पिया कर। तो बेरे तेरा ना दूध करके ले आई हो, अपना दूध पी ले। मैं अपनी चाय ले आई हूँ, चाय चाय के साथ सुबह 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 चाय पी ले। गुड मॉर्निंग बोले मम्मी को। वो है ना डेली कमेंट भेजती है, ए जी लर्न विद वो है कुछ, तो वो डेली भेजती है तेरे लिए कमेंट, सिर्फ तेरे लिए भेजती है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, बहुत नॉलेज है उसने। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को, एवरीबॉडी को, सभी यूट्यूबरों को गुड मॉर्निंग बोलो अपने दर्शकों। क्या चलो वही सुबह सुबह, अभी तो 7 ही बजे है, उठने का टाइम हो गया है। और बेटा भी उठ लिया ले पीले दूध। और भी मैं अपना रही राई लगाई थी तो घी क्या निकाल लू, तो बाल तो सर्दी है तो जर्सी पहननी ही पहननी पड़ेगी। एक बार तो है ना शुरू में रजाई मत उठा तो सर्दी लगा है, काम करने लग जा हाँ जब कब होनी ना कर फिर। तो बेबे तो मैंने कम जर्सी जर्सी कम सुहाया करा है, चलो पहन ही लेती हूँ मैं। चूड़ा बना देती हूँ बाड़ा का। उठो बेटा तुम भी उठो और नहा धो ले। तो भी वैसे तो है ना ईसा जी कराया जी सर्दी में तो है ना जी मुझे जाए बड़ी रहा आज तो है ना कभी काम करना जी नहीं करता मेरा मेरा कुछ तबीयत सी खराब सी हो रही है, पर काम करना पड़ेगा। एक भी काम ईसा नहीं है जो नहीं करी, तो चाहे अगर पोचा सारा नहीं मारना तो थोड़ा थोड़ा तो मारना पड़ेगा। इतना सारा काम नहीं कर लेना, इतना चैन साव नहीं, कितनी तबीयत खराब हो काम सारा करना पड़ेगा। तो बेबी मैं चलती हूँ अब रसोई में, सुबह सुबह तो दूध तो निकाल लिया था, अब रसोई का ही काम है तो रसोई में चलते ही बा मैं। चलो पी लिया तो है ना, सबको बाय बाय टाटा टाटा बोलो पहले। अरे उसको मैम को भी, अरे वो मैम बोलती है तो बेटे को मेरे चैनल पर ले आया करो, तो बहुत अच्छी शिक्षा देती है वो। उठो उठो भाई, ना भाई सोन नहीं हम सोन नहीं हाब, स्टैंड अप बोलो स्टैंड अप। चलो मैं तो उठ देती हूँ। कौन किस है, कौन किस है बेटा, देख लो मैं बेटी की एक नीचे है ना फोन रख रखे आल बस। तो मैं रही तो मैंने सुबह लगा दी थी तो ये मैं घी निकाल रही हूँ। तो क्यों सुबह उठ दे तो रही का तो काम हो जाए करे है। तो जर्सी पहन ली मैंने तो कती अच्छी नहीं सुहा, माड़ा हम चिकनापन सा लगते कती नहीं सुहा भी बेयो। और जब बार बार नीचा आवे है यार मैं काम कुम कर जान जर्सी जर्सी कम मैं पैरिया करूंगी। तो मैंने सोचा कि इतने बेटे का टेम रहा स्कूल का इतना ये काम में मर देती हूँ, उसके बाद तो फिर सब्जी रोटी चलेगी
फिर तो भाज भाज के कभी टिफिन तैयार करना, कभी उसके कपड़े देने, कभी उसका पानी डालना, बहुत सारे काम हो गए। तो ऐसे करना पड़ता है ताकि सारा भी इकट्ठा हो जाए। सुबह सुबह दूध निकाल कर फिर रजाई में बढ़ जाते हैं वापिस, और फिर उसके बाद काम चलता स्टार्ट होता है। आज पता नहीं तो उस कमरे से रवा घी में पानी गर्म भी डाल लेता, पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने घी तो निकाल दिया है, एक अपना सीत रख लेती हूँ। तो फिर एक एक जगह बहुत समय तो सीत का, तो फिर जो लेने आऊँगा उसके डाल दूंगी। और सर में तो मोल सीत मिलता नहीं, यहाँ तो वैसे ले जाते हैं, तो मैं जग में डाल देती हूँ। बस करते मैंने आटा गूंद दिया है, आटा गूंद रही हूँ। तो मेथी के परौंठे तो भाई काल मेथी के परौंठे बनाए थे तो खा कर नहीं आया। एक टिफिन में तो गाजर खा गाल दिया था, एक टिफिन में सब्जी गाल दी थी, तीन परौंठे गाल दिए थे मेथी के। यूँ की यूँ बचा के लिया था, फिर मैं गुस्सा करने लगी। मैं चलो गाजर खा के ले जा रहा था, इस करके नहीं खा पाया। बोले हमने मेथी के परौंठे बढ़िया लग गए, तो कोई मेथी के परौंठे बढ़िया लग गए तो कोई सादे परौंठे बना देंगे। तो बेस में है ना ये चून तो उसने आ गया, इसमें तो थोड़ा आटा निकाल कर इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, क्योंकि सब्जी के साथ है ना हमारे नमक की नमक की रोटी नहीं खाती। फिर कहे हैं नमक ज़्यादा हो जाए तो हम तो खा लें, हमने तो नमक की रोटी बढ़िया लग गए, लेकिन मम्मी और इनके पापा ये नहीं खाते। तो फिर जिस चीज पर गुस्सा हो अगर के तो वो काम करना जरूरी थोड़ी ना है। इसमें नमक डाल देती हूँ। मिर्ची है ये? हाँ पता है मैंने मिर्ची है, मिर्ची के ही डालूंगी। अरे मैंने पता कौन था इसलिए तो रख रखी थी है। ए, नू सोचा है बालक ने कराकी खुआ दे, कराकी तो बैठा दे है, फिर बालक खाता तो कोई ना जमा कर दिया गड़ आए रहा चीज खाता है कोनी। इतने प्यार ते टिफिन दिया और फिर ओनू का नू टिफिन ले आवा है तो इतना अच्छा उठा है बहुत घना। हाँ आज तो सुबह सुबह वक्त आई हो ना है बोलता पड़े है देख नहीं दी तू खेकर देख ले गोबर गावड़ी गिर जाए ना गोबर रह रहा है। चलो आज तो फिर बढ़िया करे अपनी ड्यूटी पूरी पहला कर दी है। रोटी सब्जी तो उड़गी ठीक सा, पहले अपने बच्चे स्कूल में जानते होंगे, पहले अपने बच्चे रोटी राटी बना कर ना फिर गोबर का लाग दिए। हम तो एक बात कर आए बेबे तो पानी पे के बाहर तो बांध दी। अच्छा आज तो वक्त उठ ली है भी तम भी है। मैं 4 बजे उठ रही हूँ। ये सा ठीक रहा 4 बजे उठ कर पानी भरिया लत्ते लत्ते धोए सुबह क्या बजे बाजी ठुठी 6:30 बजे चलो बस डांगरा के पानी पूरी प्याप होगा ना फिर दाल काट। तो मैंने ये परौंठे बना दिए हैं,
पीछे के परौंठे तैयार हो गए थे, सारा ये मूड बदल गया। फिर मैंने सोचा भी मैंने के पापा पूछ लिए, फिर सभी के लिए बना दिए परौंठे। तो बेटा तो तैयार होने लग रहा है और मैंने उसके लिए परौंठे बना दिए। फिर हम अपने भी परौंठे बना लेंगे, इनकी दादी ने कभी परौंठे खाए नहीं तो उनके लिए तो रोटी बना दी। तो फिर हो जाएगी वे लंबी वीडियो। तो सभी मेरी सभी दर्शकों से निवेदन है कि मेरी सारी फुलवार मैं वीडियो देखा करो और कमेंट कराया करो और ढेर सारा प्यार दिया करो। राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरियाणा की मिली जुली बोली। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बोलो।